अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बर्ड्स का शौक कर रहे हैं तो आपको हैंड फीड का तरीका लाजिम आना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हैंड फीड के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपके पास एक परिंदा होना चाहिए जिसे आप हैंड फीड करवा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, उनमें से कोई भी एक फार्मूला आपके पास होना चाहिए जो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बाज़ लोग इसमें सिरिलेक और बेसन भी इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग बाज़ार में बने बनाए फार्मूले जैसे केटी वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके पास पानी और पानी को गर्म करने के लिए चूल्हा या हीटर होना चाहिए। आपके पास चम्मच और बर्तन जिसमें आप हैंड फीड बना रहे हों, एक अदद इंजेक्शन जिसके साथ फीडिंग सिरिंज या वॉल ट्यूब जो कि साइकिल के टायर के अंदर लगा होता है वो वाला रबर। इसके अलावा एक थर्मामीटर जिसे आप चेक करेंगे कि हैंड फीड का टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा ग्रेप वाटर जो कि बच्चों को पिलाया जाता है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है। और इसके अलावा जो बर्ड्स बीमार हो उसी के हिसाब से अगर आप उनको कोई मेडिसिन देना चाहें हैंड फीड में मिला के, तो वो भी आप दे सकते हैं। अब चलते हैं कि हैंड फीड बनाने का तरीक़ाकार क्या है। आप अपने परिंदे के हिसाब से फीड लें जितना आपको दरकार हो। इसमें गर्म पानी मिक्स करें और इसे अच्छे से चमचे के साथ हल कर लें। इसे इतना मिक्स करें कि इसमें और पानी जज़ब करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, यानी कि जब हम हैंड फीड बनाते हैं तो ये पानी जज़ब करना शुरू कर देता है और बाज़ों का थोड़ा पानी डालने की वजह से हमें उस वक्त तो वो नरम दिखाई देता है मगर वो उसमें अभी तक पानी जज़ब होने की सलाहियत बाकी होती है और वो साथ साथ और भी पानी जज़ब करता रहता है। आप तब तक इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहें जब तक इसमें और पानी जज़ब होने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, यानी कि आप इसको कम अज़ कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से स्पून के साथ मिक्स करते जाएं। क्योंकि अगर हैंड फीड मुकम्मल तौर पे मिक्स ना हुआ हो और वो अभी भी पानी को जज़ब कर सके तो जब आप इसे बर्ड्स के पोटे में उतारेंगे तो ये बर्ड्स के पोटे में से पानी को जज़ब करेगा और बर्ड्स आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी उसमें पानी की कमी आना शुरू हो जाएगी। बस दोस्त ये गलती करते हैं और उनसे बर्ड्स मर जाते हैं या उनके हाजमे में ख़राबी पैदा हो जाती है। इसलिए आप अच्छे तरीके से नरम हैंड फीड बनाएं जो कि ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा सख्त भी ना हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नरम हैंड फीड बनाएंगे तो उसमें फीडिंग फार्मूले से ज़्यादा पानी की मिकदार होगी जो कि इंतहाई जल्दी हज़म हो जाएगी, और अगर आप बहुत ही सख्त बनाएंगे तो आपके बर्ड्स के पोटे में वो जाके बदहजमी क्रिएट करेगी। जब फीड तैयार हो जाए तो अब आप इसके टम्परेचर को नोट करें। परिंदों की फीड के लिए बेहतरीन टम्परेचर 36 से 38 डिग्री है। अगर 38 से ज़्यादा होगा तो परिंदों का मुंह जल सकता है और अगर इससे कम होगा तो परिंदों को नज़ला, ज़ुकाम और बुखार भी हो सकता है। चूँकि जब हम हैंड फीड करवाते हैं तो उनकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह बच्चों को हैंड फीड करवाना और या तो फिर बीमार बर्ड्स को हैंड फीड करवाना होता है। अगर हम उन्हें कम टम्परेचर वाला खुराक प्रोवाइड करेंगे तो उनका बुखार, नज़ला और ज़ुकाम या दूसरे किस्म की बीमारी और भी बढ़ सकती है, इसलिए टम्परेचर का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका टम्परेचर 38 से ज़्यादा है तो आप उसे थोड़ी देर रखें ताकि टम्परेचर कम हो जाए, या फिर आप उसमें अगर आपके पास गुंजाइश हो तो ठंडा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास टम्परेचर 38 से कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी यूज़ करें या फिर गर्म पानी को किसी बर्तन में रख के उसमें हैंड फीड वाला बर्तन भी रख दें ताकि वो गर्म हो जाए और टम्परेचर 36 से 38 के दरमियान में आ जाए। बाज़ औक़ात कई दोस्त ऐसे करते हैं कि वो हैंड फीड को ओवन के अंदर रख के गर्म करते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर एक गलत तरीका है। कभी भी ओवन में हैंड फीड का मटीरियल गर्म ना करें। टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमेशा आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। बस दोस्त हैंड फीड को हाथ लगा के चेक करते हैं कि ये गर्म है कि ठंडा, मगर ऐसा करना भी गलत है क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है। जब आपको टेम्परेचर से मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो जाए कि टेम्परेचर बराबर है, अब फीड के फार्मूले को इंजेक्शन में डालें और परिंदे को अपने हाथ में आराम और तसल्ली से पकड़ें। इस बात का ज़्यादा ख्याल रखें कि परिंदों के गले में 2 नालियाँ होती हैं, एक जो कि खुराक की नाली और दूसरी जो सांस लेने की नाली होती है।
ये कुदरत का एक निजाम है कि जितनी भी चीजें सांस लेती हैं, जिस वक्त वो सांस ले रही हो तो खुराक की नाली ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, अगर वो कुछ खा रहे हो तो सांस की नाली ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, क्योंकि अगर सांस की नाली खुली हो तो खाना सांस की नाली में भी जा सकता है। मगर जब हम इंजेक्शन के जरिए खुराक बर्ड्स को देते हैं तो हम नीडल को परिंदों के क्राफ्ट तक ले जाते हैं। इनके पोटे में दाखिल होने के बाद ही हम इंजेक्शन को खाली करते हैं। अगर हम गलती से खुराक की नाली के बजाय सांस की नाली में नीडल के पाइप को डाल दें तो परिंदों की मौत हो सकती है। परिंदों के मुंह के सेंटर में जो पाइप होता है वो सांस की नाली होती है, और उसके राइट साइड पे जो नाली होती है वो खुराक की नाली होती है। इसलिए जब कभी भी आप बर्ड्स को फीड करवाने लगे और इंजेक्शन को उसके गले में उतारें तो उसके राइट साइड वाली नाली में आहिस्ता से पाइप को उतार दें या नीडल को उतार दें। जब आपको मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो जाए कि आपने सही जगह पे पाइप को उतारा है और वो क्राफ्ट तक पहुंच चुका है, तो तब इंजेक्शन को आप खाली करें। ऐसा सिर्फ उसी कंडीशन में करें जब बच्चे या बर्ड्स बड़े हों। जब बच्चे बहुत ही छोटे हों तो उनके मुंह में आप कभी भी इंजेक्शन को अंदर ना घुसाएं। आप उनके चोंच के पास से ही उन्हें फीड करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सामान में बताया था कि आपको एक ग्रेप वाटर की बोतल भी चाहिए जो कि बच्चों को दिया जाता है। ग्रेप वाटर से बर्ड्स का हाजमा दुरुस्त रहता है। दिन में कम से कम एक बार आप अपने बर्ड्स की फीड में एक चम्मच ग्रेप वाटर भी मिक्स कर लिया करें, ताकि वे उसके पोटे और हाजमे के सिस्टम को अच्छा रखे और उसकी खुराक जल्द हजम हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बर्ड्स को कितनी बार दिन में फीड करवाना चाहिए। मुख्तलिफ बर्ड्स को मुख्तलिफ बार फीड करवाने की ज़रूरत पड़ती है और मुख्तलिफ एजेस में भी मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को हैंड फीड करवा रहे हैं तो आप उसके पोटे को चेक करें। अगर उसका पोटा मुकम्मल तौर पर भर गया हो तो आप उसको हैंड फीड करवाना बस कर दें, और तकरीबन हर 2 घंटे के बाद आप चेक करें कि आपके बर्ड्स के पोटे में खुराक है या नहीं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी खुराक लेते हैं और उनके खुराक कम होने की वजह से जल्दी हजम भी हो जाती है। मगर जब आपके बर्ड्स बड़े हों तो फिर आपको ज़्यादा जल्दी खुराक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पोटा मुकम्मल तौर पर दोबारा खाली हो जाए तो आप अपने बर्ड्स को दोबारा से हैंड फीड कर सकते हैं। हैंड फीड कराते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप हैंड फीड करवाने लगे तो आप अपने हाथों को साबुन से धो लें, ताकि अगर आपके हाथ के साथ कोई भी जरासीम हो तो वो साफ हो जाए और आपके बर्ड्स को किसी किस्म के जरासीम से कंटामिनेशन ना हो। इसके अलावा जब भी आप किसी बर्ड्स को फीड करवा रहे हो तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा फीड ना करवाएं, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फीड करेंगे तो आपके बर्ड्स को वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो सकती है, और बाज़ औक़ात किसी भी जरासीम के कंटामिनेशन की वजह से आपके बर्ड्स को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और आपके बर्ड्स को उल्टियां भी लग सकती हैं। अगर आपके बर्ड्स को उल्टियां लगी हों तो आप अपने बर्ड्स को पुदीना की चाय बना के पिला सकते हैं, और चाय पिलाने के बाद तब तक आप उसे दोबारा फीड ना करवाएं जब तक उसका पोटा मुकम्मल तौर पर खाली ना हो चुका हो। हर बार आप नई फीड बनाएं और जो फीड ज़्यादा हो जाए तो आप उसे ज़ाया करें, दूसरे टाइम पे वो सेम फीड का इस्तेमाल कभी ना करें। ये तो था आज का टॉपिक। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।